नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रेट बाय पार्ट्स का टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब ये भी अकेला टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है, तो हमने क्या किया, वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आई लेट के हिसाब से अगर हम चेक करें तो इनवर्स पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, और जो पहले आ रहा है उसको मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन तो सेम रहता है और हम माइनस इंटेग्रल, फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, इंटेग्रल करेंगे वन डी एक्स का। जब आप वन डी एक्स का इंटेग्रल करोगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस फिर आप इंटेग्रल का सिंबल डालोगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट फंक्शन का। जब आप टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इंटेग्रल करोगे वन डी एक्स का तो एक्स रह जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स तो सेम रहेगा, माइनस अब यहाँ पे देखो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है, हमने वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं कहना, इसको कहना है एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको कहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसका जब आप डेरिवेटिव करते हो तो उसका आंसर न्यूमिरेटर में होना चाहिए, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो जीरो प्लस टू एक्स आ जाएगा, लेकिन ऊपर तो एक्स है तो मैंने टू के साथ मल्टीप्लाई और टू के साथ डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे आ गया एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको न्यूमिरेटर में मिल रहा है तो उसका आंसर होता है कि हम उसको लॉग में लिख लेते हैं। एक्स टेन इनवर्स एक्स तो सेम रहेगा, माइनस वन बाय टू सेम है, जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो आपको न्यूमिरेटर में मिल रहा है, तो जब आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिरेटर में हो तो हम उसको लिखते हैं, इसका इंटेग्रल का आंसर क्या हो जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा।